नमस्कार प्रिंस एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सामने आप देख सकते हैं चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी नॉर्दर्न सर्कल शैलेश कुमार पाठक जी की स्पेशल ट्रेन। यहाँ पर गोमती नदी के पुल के पास खड़ी हुई है, नैमी शारण के पास का ये दृश्य है। और ये वीडियो भेजा है हमको हमारे रेल रिपोर्टर राजा राम जी ने। राजा राम जी, वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मेहनत करी ये वीडियो हम तक पहुँचाने में, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से और चैनल की तरफ से। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एलिवेशन काफ़ी है, काफ़ी ऊंचाई पर ये ट्रेन खड़ी है और काफ़ी कर्मचारी जो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के, वो देखिए अपनी गाड़ी में यहाँ पर निजी वाहन में यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इस वक्त गोमती नदी के पुल के पास ये निरीक्षण चल रहा है। और ये आ गया नैमी शारण स्टेशन। पीछे जो इंस्पेक्शन सैलून होता है, जो कक्ष होता है, डिब्बा कोच, वो लगा हुआ है लाल कलर का, आपको दिख रहा होगा। ये दूसरे छोर से दो नंबर के जो प्लेटफॉर्म है उस तरफ से दृश्य लिया है। अभी जो कार्य यहाँ पर इंस्पेक्शन का चल रहा है नैमी शारण स्टेशन पर, हम आपको दिखाएंगे। आज 15 मार्च को बालामऊ जंक्शन से सुबह ये निरीक्षण शुरू हुआ है और सीतापुर सिटी जंक्शन तक। ये जो उत्तर रेलवे हमारे नॉर्दर्न रेलवे जोन में मुरादाबाद मंडल में ये रेल लाइन आती है, सिंगल इलेक्ट्रिफाइड लाइन हो जाएगी अब ये इंस्पेक्शन के बाद। और इनके निरीक्षण के बाद रेलगाड़ियों का संचालन, जो यात्री गाड़ियां हैं, शायद मेमू ट्रेन्स चल जाएं क्योंकि वो किफ़ायती होती हैं। अब ये रेलखंड पूरा इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा तो यहाँ पर मेमू ट्रेन्स का संचालन शुरू हो सकता है। और हो सकता है कि ICF रेक जो पुराने रखे हुए हैं उनको भी इस्तेमाल में लाया जाए तथा कुछ रेलगाड़ियाँ और बढ़ाई जाएँ, क्योंकि बहुत ही लो प्रायोरिटी वाला ये सेक्शन है ब्रांच लाइन। हालांकि इसमें दो तीर्थ पड़ते हैं, बहुत प्रमुख तीर्थ हैं हम हिंदुओं के, नैमी शारण चक्र तीर्थ है और मिश्रिक जहां पर दधीचि कुंड है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो इंस्पेक्शन स्पेशल ट्रेन है इसका पूरा व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, जो सुबह बालामऊ जंक्शन से रवाना हुई सीतापुर सिटी जंक्शन की तरफ और वापसी में स्पीड ट्रायल होगा इसी रेलगाड़ी से। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ट्रेन यहाँ पर पहुँची है और गहनता से इस समय निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। और दूसरे छोर से हम आपको प्लेटफॉर्म नंबर एक की दिशा से भी पूरा व्यू दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सैलून और जो कोचेज़ हैं इस स्पेशल ट्रेन की, यहाँ पर पूरी ट्रेन खड़ी हुई है आप देख सकते हैं। इसी से वापसी में स्पीड ट्रायल होगा सीतापुर सिटी जंक्शन से लंच के बाद बालामऊ तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की दिशा है वहाँ पर भी ट्रेन एक कोचेस कुछ खड़ी हुई हैं और ट्रैक पैकिंग मशीन भी लग रही थी, आगे TPM खड़ी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा दृश्य और कुछ ही पलों में यहाँ पर जब निरीक्षण हो जाएगा, ये देखिए इधर ट्रैक पैकिंग मशीन, बैलास्ट क्लीनिंग मशीन BCM ये भी खड़ी हुई है नैमी शारण स्टेशन पर। तो 3 प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज़ में हो जाएंगे। हालांकि इतना लोड यहां पर नहीं है लेकिन भविष्य को देखते हुए यहां पर एक एक्स्ट्रा ट्रैक इधर डाला गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरा इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन ये हो गया है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे से यहां पर आप देख सकते हैं कि जो नपाई है, हाइट वगैरह उसकी जाँच हो रही है। वो जो मानक होते हैं RDSO के हमारे, उसके हिसाब से उसके अनुसार सभी चीज़ों की पैमाइश, जो मेजरमेंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं, चाहे हाइट गेज हो, फुट ओवर ब्रिज हो, या जो तार की दूरी है ट्रैक से उसकी जो हाइट है, हर चीज़ का जो स्टैंडर्ड हमारा RDSO ने सेट कर रखा है रेलवे के हर कार्य में। मैं आपको पूर्व में भी ये चीज़ बता चुका हूँ, बिल्कुल जो रूल बुक होती है उसी हिसाब से, जो RDSO की गाइडलाइंस, जो RDSO ने मेजरमेंट्स दे रखे हैं उनको ही इंडियन रेलवे फॉलो करता है अपने सभी इंस्पेक्शंस में, सभी निरीक्षण में, जितने भी कार्य होते हैं, जो चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं, ट्रैक को डालना हो, हर चीज़ में जो स्पेसिफिकेशन सेट कर रखे हैं उनको ही फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CCRS साहब खड़े हुए हैं, साथ में जो उनकी टीम है और जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम RE कंपनी यहाँ है उसने जिसने किया है, उनके कर्मचारीगण हैं यहाँ पर। इधर सीतापुर सिटी जंक्शन की दिशा हो जाएगी और सामने बालामऊ जंक्शन की दिशा से ये स्पेशल ट्रेन
यहाँ पर पहुँची है 11 बजे के बाद पहुँची। 11 बजे के आसपास का टाइम था यहाँ पहुँचने का, थोड़ा सा विलंब हो गया। और RPF के जवान आप देख सकते हैं कितनी मुस्तैदी से, आज स्टेशन पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, किसी को भी RPF और वहाँ के जो कर्मचारी हैं अलाउ नहीं कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी मिन्नतों से, कितनी रिक्वेस्ट करके कैसे ये वीडियो हमने करवाया है, आप इसका अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आज बहुत सख्त निर्देश थे कि किसी को भी अलाउ ना किया जाए स्टेशन के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी शैलेश पाठक जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और सब कुछ यहाँ पर जो नापजोक है वो चल रही है, आप देख सकते हैं। साथ में RPF के जवान उनको सुरक्षा देते हुए और सभी चीज़ों की पैमाइश यहाँ पर की जा रही है। और इनकी स्पेशल ट्रेन सामने आपको लोकोमोटिव दिखाई दे रहा होगा, जिससे ये निरीक्षण हो रहा है डीजल लोकोमोटिव के साथ, वापसी में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ई लोको से सीतापुर सिटी जंक्शन से। भोजन के बाद लंच वहीं पर होगा, सीतापुर सिटी जंक्शन में ही व्यवस्था की जा रही है खाने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने किस प्रकार से लोको सजा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, बैनर पे जो आज का निरीक्षण है CCRS साहब का, डेट लिखी हुई है, सेक्शन लिखा हुआ है बालामऊ से एक्सक्लूडिंग टू सीतापुर सिटी जंक्शन। यहाँ पर ये निरीक्षण हो रहा है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों का। लोको पायलट भी देखिए यहाँ पर खड़े हुए पास में नीचे, और आप देख सकते हैं विशेष ट्रेन नैमिषारण्य स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहाँ से हम आपको ये डिटेल्ड कवरेज दिखा रहे हैं CCRS इंस्पेक्शन का, कि आज किस प्रकार से गहनता के साथ निरीक्षण हुआ है इस रेलखंड का। सारे OHE मास्ट आप देख सकते हैं, साफ़ सफाई आप देख सकते हैं कितनी है, सब पेंट हो चुके हैं। पूर्व का जो वीडियो हमने नैमिषारण्य स्टेशन से किया था, आपको दिखाया था किस प्रकार से यहाँ पर कार्यों को पूरा किया जा रहा है। अर्थिंग के कार्य उस समय चल रहे थे, कुछ अर्थवर्क रह गया था, उसको लगाने का, फिट करने का कार्य यहाँ पर टेक्निकल जो टीम थी, लड़के लगे हुए थे, वो कर रहे थे। और ये जो डिब्बे आप देख रहे हैं उत्कृष्ट रेक्स हैं, उत्कृष्ट के ये डिब्बे हैं जो ICF रेक को दोबारा थोड़ा सा पेंट करके और कुछ चीज़ें उसमें मॉडिफाई करके, ये आप देख सकते हैं जो कलर कॉम्बिनेशन है आपको दिख रहा होगा सामने, ये उत्कृष्ट कोचेस हो जाते हैं जिनसे आजकल कई रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, उत्कृष्ट रेक कर दिए गए हैं। और देखिए सब लोग किस प्रकार से यहाँ पर गहमा गहमी नैमिषारण्य स्टेशन पर। और नैमिषारण्य स्टेशन पर निरीक्षण पूरा हो गया है, और यहाँ से CRS रवाना होती है। तो नैमिषारण्य स्टेशन से देखिए अब CCRS स्पेशल इंस्पेक्शन ट्रेन जो है वो अब सीतापुर सिटी जंक्शन की दिशा में जाते हुए धीमे धीमे गति बढ़ाते हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस बार्स किस तरह से लगी हुई हैं और ट्रैक जगह जगह पेंट आपको दिख रहा होगा, सारा कुछ एकदम चमका दिया गया CCRS इंस्पेक्शन से पहले। और धीमे धीमे आप देख सकते हैं लोकोमोटिव आगे की ओर बढ़ता हुआ,
स्पेशल ट्रेन जो है मिश्रिक की ओर रवाना होती है, तो मिश्रिक में निरीक्षण करेंगे, इसके बाद रामकोट, उसके बाद सीतापुर, सीतापुर से इसकी ट्रायल चालू होगा शाम को। सूत्र बता रहे हैं 4 बजे वहाँ से इसकी ट्रायल चालू होगा। नहीं हो पा रहा तो ही बता दो उनको, तुमको चार्जशीट मिल जाएगी आज, बता रहा हूँ।